हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसे मिल्क शेक की रेसिपी जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है, तो इस समर इसे बनाइए और इसे ठंडा ठंडा एंजॉय कीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो चलिए अब टेस्टी हेल्दी ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, छोटा बर्तन आप कोई भी ले लें। उसमें एक कप पानी ऐड करेंगे और इसमें 15 से 20 बादाम हम ऐड कर देंगे और इस बादाम को हम बॉयल कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ मैंने गैस पे इसे चढ़ा दिया है और इसे हम बॉयल कर लेंगे 2 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए अच्छे से इसमें उबाल आ रहा है। इस तरह से हम जब इसमें बादाम को अच्छे से पकाएंगे तो इसके सारे छिलके निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप 5 से 10 मिनट में इसके छिलके इस तरह से पका करके निकाल सकते हैं। तो इसे रात भर भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हमने इसे पकाया और इसके इस तरह से सारे छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इसे एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसका एक थोड़ा सा दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसका पाउडर बना लिया है, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम तो सारे पाउडर को इस तरह से निकाल लेंगे। हम बहुत बारीक नहीं करना है, नहीं तो ये पेस्ट बन जाएगा। बस पल्स मोड पे हम इसे चला करके थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा दूध लिया है 1/4 कप के करीब और इसमें हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। तो आप कोई भी इसमें फ्लेवर का ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बटर स्कॉच फ्लेवर ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर का, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो कस्टर्ड पाउडर को मैंने मिक्स करके एक साइड में रख दिया है। यहाँ पे मैंने एक भगोने में 1 लीटर दूध लिया हुआ है, कोई भी दूध आप ले सकते हैं जो भी हो। तो इसे अच्छे से हम पहले उबाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूध अच्छे से उबल गया है, तो इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद यहाँ पे हम शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 चम्मच बड़े चम्मच यहाँ पे शुगर मैंने ऐड की हुई है इसमें। तो शुगर को इस तरह से ऐड कर देंगे सारे और इसे हम थोड़ा सा चला देंगे। और साथ ही हम यहाँ पे जो बादाम का पाउडर हमने बनाया था उसे भी ऐड कर देंगे ताकि साथ साथ दोनों पक जाएं। तो यहाँ पे मैं बादाम का पाउडर भी ऐड कर दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके हम 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे दूध को, ताकि जो बादाम का पाउडर है वो भी थोड़ा सा अच्छे से कुक हो जाए उसी में। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हम इसे अच्छे से पका लेंगे दूध को। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे अब हम कस्टर्ड का जो मिक्सचर बना के रखे थे उसे हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, साथ ही इसे हम चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना जमे। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने ऐड किया है, इसे थोड़ा सा इस तरह से चला लेंगे। इसे 1 मिनट आप अच्छे से चला लें ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। फिर वापस से हम 2 चम्मच डालेंगे और इसे आप चाहे तो इस तरह से विस्कर से भी चला सकते हैं ताकि इसमें कोई गांठें ना पड़े। उसे अच्छे से ये मिक्स हो जाता है और एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर भी इसका रेडी हो जाता है। तो इस तरह से 2-2 चम्मच हम इसे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से विस्कर से विस्क करते जाएंगे। इसे इसका टेस्ट भी दूध का बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर नहीं है तो आप फोक स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप स्पैचुला से ही कर दें। तो इस तरह से मैंने सारे कस्टर्ड को इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे वापस से हम 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे, क्योंकि जो कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो इसे 3 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं बारीक कट करके, इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारा दूध कुक हो चुका है। तो आप इसे साइड में रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे जब आ जाए ठंडा हो जाए, उसके बाद ही हम इसको जो है फ्रिज में रख देंगे
तो यहाँ पे मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। इसके बाद ही हम इसकी सर्विंग करेंगे। तो आप चाहें तो किसी ग्लास में या कप में या जिसमें भी आपको पसंद हो उसमें आप इसे सर्व करके पी सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी लगता है। तो इस तरह से मैं इसे कप में निकाल रही हूँ। तो इस तरह से हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। गर्मियों में पीने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फूटी या फिर बारीक कटके हुए ड्राई फ्रूट से इसे ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं, जिसे देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उस चीज़ से इसे ऊपर से सजा दें थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं टूटी फूटी ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। देखिए कितना प्यारा सा यम्मी सा बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप बनाएँ और इसे इंजॉय करें। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे कंटेनर में भी इसे डाल के सर्व किया है, ये जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस तरह से भी आप चाहें तो अपने घर पे इस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।